आज पूरी ही दुनिया टाइम पर डिपेंड है, लेकिन क्या आपको पता है कि घड़ी का आविष्कार कब हुआ था? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। घड़ी की खोज सन 1505 में पीटर हैनलेन ने की थी। इसका नाम पोमेंडर वॉच था। पीटर हैनलेन जर्मनी के न्यूनबर्ग शहर में ताले एवं घड़ी बनाने का कार्य किया करते थे। सन 1505 में उनके द्वारा बनाई गई पहली घड़ी दुनिया की सबसे पुरानी घड़ी है, जो आज भी सही तरीके से काम कर रही है। यह घड़ी तांबे और सोने से बनाई गई थी। वर्तमान में इसकी कीमत 3 से 5 करोड़ यूरो बताई जा रही है। पोमेंडर वॉच एक डिब्बे के आकार वाली घड़ी है। इसके आधे निचले हिस्से में घड़ी के छोटे छोटे कल पुर्जे लगाए गए हैं, बाकी के आधे हिस्से में इसके ऊपरी भाग को ढका जाता है।